भी पुनः भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी टीम के साथ, पूरे साथियों के साथ, बाकी सभी आज ज्वाइन कर रहे हैं। से स्वागत किया जाए। बोलो जल्दी करो, बोलो जितने भी सरपंच साथी हैं इनके साथ आए, वो मच्छर सीन आ जाओ, ले आओ। नाम बोलते जाओ ना, वर्मा ही बन। मैडम प्रसाद मैडम जी, जो बीडीसी चेयरमैन है हमारे, चलो तालियों से स्वागत। जितेंद्र शर्मा जी सरपंच प्रमंडल, जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा क्या हाल है बीडीसी गोपाल चंद जी भजोरी नाम कुलदीप सिंह जी बोध राज जी क्या बोल रहा सुरदार इंस्पेक्टर जनरल सिंह जी सबसे जरूर बीजेपी भारत माता की जय। रविंद्र नारायण जी की जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राजकुमार गुलाम हुसैन संगर बलवीर सिंह नायक सरपंच उत्तरवेणी बाजी की बरादरी प्रेजेंटर जी सतपाल शर्मा पटली पार्टी आले शशिपाल पैंच संगठ शिवदेव बैद खड़ा अंकुश शर्मा खड़ा विजय कुमार युवा मोर्चा मुड़े से जय श्री राम। ना किला प्यारा
अरविंदो रैना साहब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी फोटो कर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय रविंद्र नारायण जी की जय सुनो मैडम जी ओजी ने जॉइन की थी सारे थे अगर फोटो से लाइन जाओ बीडीसी पर जाओ इधर आओ इतना पीछा हो ना इधर आओ लाइन से ना इधर आओ वो बीडीसी सेंटर में आओ ना तुम्हारी लोग चलो आगे देखो सामने पीछे आओ सामने आइयो सारे सामने देखो जी सही सामने देखो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय डन चलो चलिए बड़ी मुबारक है बाकी लोग पीछे कहते हैं साथियों जैसा कि आप जानते हो श्रीमान अरुण कुमार जी जो डिस्ट्रिक्ट सांबा के विजयपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं वो पहले भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम कर रहे थे लेकिन जब जिला परिषद के चुनाव हुए तो थोड़े निष्क्रिय हो गए थे इनएक्टिव हो गए और इनके कुछ साथी आज इनके साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं श्रीमान अरुण कुमार जी को और इनके जितने भी साथी हैं बीडीसी चेयरपर्सन अर्शादा मैडम जी और जितने भी सरपंच साहिबान हैं जो उस उत्तर बैनी परमंडल जोगिंदर जी और खड़ा मड़ाना के अनिल जी और उनके साथी जितने भी साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं मैं इनको मुबारक देता हूं बधाई देता हूं कि ये आज फिर से अपने घर में वापस लौटे हैं। इनकी घर वापसी पुनः पार्टी में हुई है मुझे इस बात की खुशी है ये वापस अपने घर लौटे हैं और एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर में वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते और वैसे भी मोदी साहब अमित शाह साहब और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है हर कार्यकर्ता की इंपॉर्टेंस है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां कार्यकर्ताओं का बोलबाला मान सम्मान रहता है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यह पार्टी है और कार्यकर्ता का हमेशा सम्मान रहना चाहिए कार्यकर्ता को हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता ही वो नींव का पत्थर होता है जो पार्टियों को बुलंदी तक पहुंचाता है। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में हमारी पद्धति में हमारी कार्यप्रणाली में है कि अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान हमेशा बरकरार रहे इस मिशन के साथ हम काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारे साथी
ये देश हित में और पार्टी के हित में जैसे पहले जुटे हुए थे उसी प्रकार कार्य करेंगे और उस सारे क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती करेंगे। हमारी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, देश की विचारधारा है। हमारी विचारधारा हमारे तिरंगे झंडे में है, हमारे देश, हमारी मातृभूमि में, और इसलिए देश सेवा, राष्ट्र सेवा का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उस संकल्प को साथ लेते हुए अपने अपने क्षेत्रों में यह सभी कार्यकर्ता कार्य करेंगे। मुझे इन पर पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर श्रीमान अरुण कुमार जी और इनके जितने भी साथी हैं जो आज पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और इनको बधाई के साथ साथ इनसे मुझे आशा है कि अपने क्षेत्र में पार्टी संगठन के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां बढ़िया कार्य करेंगे जिससे पार्टी और उस क्षेत्र में मजबूत होगी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम आदरणीय और माननीय योग्य जम्मू कश्मीर प्रदेश के यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, हम की इनकी लीडरशिप में हमने आज सारे साथियों ने दोबारा इनके पार्टी में और इनके आगे हमने बात रखी कि हम लोग काम करना चाहते हैं और पार्टी में पुनः वापस आना चाहते हैं। तो हम खुशी से, थोड़ी सी हमारी गलती थी, हम मानते हैं उस बात को कि संगठन के बाहर जाना नहीं चाहिए, वो अध्यक्ष की गलती को हम कभी रिपीट नहीं होने देंगे। मैं इनको आश्वासन देता हूं अध्यक्ष जी को कि मेरा पूरा जीवन 30 साल से ऊपर मैंने राजनीति में काम किया है, ये गलती हुई है, कार्यकर्ता थोड़े हताश थे, कुछ फैसले हो जाते हैं क्योंकि संगठन के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो चलो हमने जो गलती की उसको दोबारा दुरुस्त करने के लिए हमने यही सोचा कि हमारी पार्टी जो है, जो सही आज देश के जिसकी जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी है। देश के नागरिक और सिपाही होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि देश के लिए मर मिटने के लिए हमने ये पार्टी में काम करना चाहिए कि देश मजबूत हो, देश को आगे लेने के लिए एक एक आदमी का योगदान चाहिए। हम सभी मित्रों की तरफ से मैं अध्यक्ष जी को आश्वासन देता हूँ कि हम डट के काम करेंगे। जिला सांबा में आपको 90% वोटिंग होगी, कोई कसर नहीं रहेगी, और 10% जो हमने छोड़ा है वो है जो जिनको वो भी लाएंगे उनको कुछ वो सभी नहीं है, वो आस्था था वो भी समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कोई शिवा गिलानी शिकायत नहीं आएगी, सभी सीनियर लीडरों की लीडरशिप पे हम काम करेंगे, चाहे जिला स्तर है चाहे ब्लॉक स्तर है, जो सीनियर लोग हैं उनको इज्जत देंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नेशन हमारा फर्स्ट है, सबसे उसको देखते हुए बिना स्वार्थ बिना कोई कंडीशन हम पार्टी में आए हैं, और अध्यक्ष जी को मैं दोबारा एक बार आश्वासन देता हूं कि आपको हमारी शिकायत नहीं आएगी ना हमारी। भारत माता की जय। भारत।